राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में इंडिया की बजाय भारत लिखे जाने के बाद विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी कर कहा है कि इंडिया नाम बदलना संविधान को बदलने की कोशिश है। देश भारत और इंडिया की राजनीति को अच्छे से समझ रही है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी को इंडिया नाम पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में संज्ञान ले। मायावती ने कहा है कि जैसे कि यह विवादित है, भारत या इंडिया देश का चिर परिचित गरिमाय संवैधानिक नाम है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी और जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश की सभी जाति और धर्मों को मनाने वाले लोगों को अपर प्रेम, बेहद लगाव और सम्मान है। आई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में ब्यूरो रिपोर्ट टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।